सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अप्लाइड मैथमेटिक्स। सेकंड में आप सभी को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आप सभी को चार तरीके के मेथड्स देखने को मिलेंगे, एक न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फालसी मेथड और आप सभी का गॉस विलोपन मेथड्स। ठीक है, तो इन चारों मेथड्स में तीन मेथड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस विलोपन को छोड़कर। तो तीनों मेथड्स को मैंने आप सभी को समझा दिया है, इसलिए समझा दिया है, इसलिए बता दिया है क्योंकि यह 10 नंबर में आप सभी के एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं। तीन क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आप सभी को दो करने होंगे और दोनों न्यूटन रैप्सन और आप सभी के बाइसेक्शन या आप सभी के रेगुलर फालसी मेथड से होंगे। न्यूटन रैप्सन तो हमेशा कंपलसरी है कि आना ही आना है। ठीक है, तो क्यों ना ऐसे छोटे क्वेश्चंस को आप सभी अभी से तैयार कर लें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि 10 नंबर मिल रहे हैं तो 10 नंबर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में न्यूटन रैप्सन मेथड को समझेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आपको न्यूटन रैप्सन का कॉन्सेप्ट आप सभी के दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए न्यूटन रैप्सन मेथड को शुरू करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड में दो चीजें आप सभी ध्यान रखिएगा, जब आप जो समीकरण दिया है इसे एफएक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है। पहला हमारा काम होगा कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। दूसरा, इस इक्वेशन में आप सभी को 0, 1, 2, 3, 4 की वैल्यू पुट करनी है। जहां पर ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, वहीं पर हमें उस 0, 1, 2, 3 जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसको वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रथम मूल मान निकालेंगे। प्रथम मूल मान निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, जो 0, 1, 2, 3, 4 हम पुट कर रहे हैं उसमें से हम एक्स नॉट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसको मैं समझाऊंगा, बस एक्स नॉट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और फिर इसमें रख देंगे। ठीक है, जब इसमें रख देंगे तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। अब जब द्वितीय मूल मान निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यही एक टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों। ठीक है, जब द्वितीय मूल मान निकालते हैं, द्वितीय मूल मान, तो क्या होता है कि यह जो एक्स वन है वो एक्स टू हो जाता है और एक्स नॉट जो है ये एक्स वन की वैल्यू आ जाती है। और सेम यहां पर भी इस तरीके से एफ एक्स वन अपान एफ डैश एक्स वन हो जाता है। बस आप सभी को दो मूल मान निकालने को बोल सकता है या तृतीय तक जा सकता है, और अधिकतर आप सभी का द्वितीय तृतीय में ही काम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को फाइंड करना होता है। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी लेंथी होती है और ये स्टेप वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर आपका जो मेथड्स है उसे देखा जाता है, ना कि आप सभी का जो वैल्यू एग्जैक्ट आई है उसे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, आप सभी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं आप सभी को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स की पावर 4 - x - 10 = 0 को इक्वेशन के आपको एफ एक्स के फॉर्म में लिख कर दिखाते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 - x - 10। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जब इक्वेशन फर्स्ट इसे हम मान लिए, अब हम इसे एफ डैश एक्स भी निकालेंगे लगे हाथ। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x3 - 1। आप डिफरेंशिएशन करना तो जानते होंगे, ये चार आगे आ जाएगा और इसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो 4x3 और एक्स का माइनस माइनस है और एक्स का वन हो गया। ठीक है, इसमें तो मुझे लगता कि कोई आप सभी को दिक्कत है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस एफ एक्स को एक्स बराबर जीरो, ठीक है, एक्स बराबर जीरो 1, 2, 3 इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब जहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वहीं पर हम वैल्यू पुट करना छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं किस तरीके से पुट करते हैं। पहली बार हम पुट करेंगे एफ जीरो। ठीक है, एफ जीरो पुट करा तो जीरो आ गया, माइनस जीरो आ गया, माइनस 10 आ गया। क्लियर हो गई बात, टोटल वैल्यू माइनस 10 आ गई। ठीक है, नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब हम एफ वन, ठीक है, एफ वन पुट करेंगे तो 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 10, फिर से वैल्यू माइनस 10 आई और फिर से नेगेटिव, लेकिन हमें तलाश क्या है बच्चों, पॉजिटिव की। ठीक है, तो एफ टू पुट करेंगे, एफ टू पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 = 16 हो गया, माइनस एक्स माइनस 2 हो गया और माइनस 10। ठीक है, 10 2 12 हो गया और 16 में से 12 गए तो 4। ठीक है, और 4 क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। अब वैल्यू पुट करना बंद कर दो। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, सब सब सबका गेम यही एक्स जीरो है, एक्स नॉट जो है। ठीक है, अब एक्स नॉट मिल गया तो बस कुछ नहीं,
एक बार एक्स नॉट रखोगे तो एक्स वन आ जाएगा, फिर एक्स वन की जगह फिर एक्स वन को यहां पर ला दोगे, एक्स टू आ जाएगा, फिर जो एक्स टू आएगा यहां पर एक्स थ्री हो जाएगा, फिर यहां पर एक्स टू। तो मतलब सब कुछ एक टर्निंग पॉइंट है आपका, क्या वो टर्निंग पॉइंट है आप सभी का बच्चों इस समय के लिए, वो टर्निंग पॉइंट है ओनली आप सभी का एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स नॉट जो होता है बच्चों वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू का हमें बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो हम एक देखेंगे, ठीक है, एक के करीब हमारा क्या आ रहा है, माइनस दस, अगर हम यहां से समझाने के लिए कर रहा हूं आप सभी को, जीरो यहां पर दो हो जाएगा, यहां पर चार हो जाएगा, इस तरीके से माइनस में माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस टेन। ठीक है, तो जीरो के नजदीक माइनस टेन आ रहा है या फोर आ रहा है, ध्यान से बताइएगा बच्चों। तो आप सभी का फोर आ रहा है, लेकिन फोर कब आ रहा है, जब हम दो वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो एक्स नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी दो, बस एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड। अब तो मुझे लगता कि बच्चे भी कर लेंगे इसको, क्यों कर लेंगे, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू पुट करोगे यहां पर भी एक्स नॉट, यहां पर एक्स नॉट, एक्स वन की वैल्यू आ गई, प्रथम मूल मान निकल गया, द्वितीय मूल मान एक्स टू को निकालने के लिए एक्स वन जो वैल्यू आई है वहां पर, जहां पर एक्स नॉट था वहां पर एक्स वन कर देंगे, इस तरीके से द्वितीय मूल मान निकल जाएगा, तृतीय मूल मान एक्स थ्री निकालने के लिए जहां पर एक्स वन था यहां पर एक्स टू कर देंगे, तृतीय मूल मान निकल जाएगा, करके दिखा भी देते हैं आप सभी को। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो आप सभी का द्वितीय मूल मान में ये तृतीय मूल मान है, मैं प्रथम मूल मान है, दिखा देता हूं लिखकर बच्चे। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं प्रथम मूल मान, ये है आपका एक्स वन और यहां पर हो जाएगा एक्स नॉट। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट, एक्स नॉट और एक्स नॉट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्स नॉट की वैल्यू क्या है। तो एक्स नॉट की वैल्यू है दो माइनस, अब क्या होता है बच्चों कि कभी कभी इसमें से माइनस कर देते हैं, नहीं। ठीक है, तो एक्स नॉट जो है वो मिड में है। ठीक है, अब एफ एक्स नॉट जो है बच्चों वो क्या है, एफ एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट की वैल्यू दो है, तो एफ टू की वैल्यू क्या है, एफ टू की वैल्यू क्या है बच्चों, चार है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो चार पॉजिटिव है। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो टू माइनस फोर, अब एफ डैश हमने निकाला है, यहां पर देखो एफ डैश एक्स निकाला है, अब यहां पर एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करना है, दो पुट करना है, तो फोर टू की पावर थ्री क्या हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ चौक बत्तीस माइनस एक, तो 31 आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो 31 आएगी। ठीक है, अब 31 दूना क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 और दूना 62। ठीक है, 62 माइनस 4 58, तो 58 बटे 31 आ जाएगा ये। ठीक है, 58 बटे 31 सही है, 31 दूना 30 दूना 60 दूना 62 माइनस 4 58 बटे 31। कैलकुलेटर यहां पर निकाल लो। देखो मैं एक आप सभी को बात बताता हूं, 58 भागे 31, ठीक है, आंसर आया 1.87, ध्यान दो, मैं आप सभी को एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, 1.87। ठीक है, लिख दिया आपने, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी नॉर्मल है 7/6, 8/4 मतलब 8/9 इस तरीके से, जो समझो आप सभी कटने के चांसेस है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट मत करना, लेकिन ऐसी वैल्यू जब आ रही है तो 1.87 कर लेने से क्या होगा कि आप सभी का एक्स वन की वैल्यू है ये। ठीक है, एक्स वन की वैल्यू है आप सभी की, अब हमें द्वितीय मूल मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला चेंज होने वाला है यहीं पर, ध्यान दीजिए, द्वितीय मूल मान, ठीक है, द्वितीय मूल मान एक्स टू बराबर, ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स नॉट की जगह पर एक्स वन हो जाएगा और एफ एक्स नॉट की जगह पर एक्स वन और एफ डैश एक्स वन हो जाएगा, कुछ नहीं बस एक्स वन करना है। अब यहां पर एक्स वन की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, एफ एक्स वन की जगह पर, अब यहां पर देखो बच्चों यहां पर एफ एक्स है, ठीक है, तो यहां पर एफ एक्स वन है, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, समझो एक्स समझो चाहे एक्स नॉट समझो चाहे एफ एक्स वन समझो, ठीक है, वैल्यू तो 1.87 आई है, तो ए 1.87 यहां पर रखना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूं, 1.87 की पावर 4 कर लो, माइनस 1.87 रख कर लो, माइनस 10 कर लो, और यहां पर 4 इंटू 1.87 की पावर 3 माइनस 1 है, कैलकुलेटर कर लो। ठीक है, कैलकुलेटर से आप अपने हिसाब से कर लेना और जो वैल्यू आएगी यहां पर पुट कर लो और x नॉट की x1 की वैल्यू जो है 1.87 कैलकुलेशन कर लो, आप सभी का द्वितीय मूल मान आ जाएगा। तो यही फाइनली आप सभी का न्यूटन रैप्सन मेथड है। जब x2 आ जाएगा
तो इसी तरीके से आप सभी तृतीय मूल मान भी फाइंड कर सकते हो। तृतीय मूल मान कैसे फाइंड करोगे आप सभी? तृतीय मूल मान आप सभी का x2 बराबर क्या आ जाएगा? x1, सॉरी तृतीय मूल मान आप सभी का है x3, x3 बराबर x2 माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ डैश एक्स टू। ठीक है, जहां पर x0 की वैल्यू पुट करे थे वहां पर x2 पुट करना है, जहां पर x1 की वैल्यू पुट किए थे वहां पर x2। मतलब समझ गए अपनी बात को? बिल्कुल आप सभी को न्यूटन रैप्सन समझ में आ गया। कुछ नहीं था, एक सिंपल सा फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला था प्रथम मूल मान का, जो फॉर्मूला है मान उसे हम एक्स वन लिखेंगे और उसकी जो फॉर्मूला है एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ एक्स निकाल लो और जीरो एक दो तीन इस तरीके से वैल्यू पुट करो, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जो आप सभी का जीरो के नजदीक होगा वही आप सभी का एक्स नॉट होगा। बस एक बार एक्स नॉट मिल जाए तो इसमें पुट कर दो, एक्स वन आ जाएगा तो फिर द्वितीय मूल मान एक्स टू निकालना है। तो एक्स टू किस तरीके से निकालेंगे? एक्स नॉट जो है, एक्स नॉट की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी तो एक्स नॉट पुट कर दो। ठीक है, फिर एफ एक्स नॉट, फिर एफ डैश एक्स नॉट। जब आप सभी का एक्स वन निकल, एक्स टू निकल गया तो एक्स थ्री निकाल लो इस तरीके से। तो फिलहाल आप सभी को समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।